ओम शांति। 23 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव कल्याणकारी बेहद का वर्षा देने वाले मुक्ति जीवन मुक्ति दाता ने हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम जब अपना रोज पोता में लिख करके बाबा को सुनाएंगे पूरे दिन की दिनचर्या की, कितना याद किया, कितना औरों को ज्ञान दिया, कितना बाबा का परिचय दिया, कितना उनको जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया, तो बाबा कहते हैं ये तभी पता चलेगा जब हम पूरे दिन का बाबा को बताएंगे कि ये हमने किया, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते कितना आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें चार्ट रखना चाहिए, तो या पीछे हट रहे हैं यह हमें उससे पता चलेगा। देह अभिमान पीछे हटाता है, देह में आने से हम पीछे हटते हैं क्योंकि देह के संबंधों में फंस करके ही तो हम इतने गिरे हैं ना। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है, हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो हमें आगे बढ़ाती है, श्रीमत पर ले जाती है, और श्रीमत पर चलना ही हमारा मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों। बाबा कहते हैं मुक्ति उनको मिलेगी जो परमात्मा को नहीं जानते, और जीवन मुक्ति उनको मिलेगी जो परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। जब मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे तभी तो पुरुषार्थ से वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी तुम्हें आगे बढ़ाती है। प्रश्न है सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या है? प्रश्न बहुत ही मीठा प्यारा है। उत्तर में बाबा ने कहा आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में कौन आता है? शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और बच्चा कौन? आत्मा, है ना, शरीर से नहीं समझना, आत्मा बाबा की बच्ची है। तो हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी यह हो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप की ही याद रहे। तुम कहते हो तुम्हें वो माताश्च पिता तुम्हें, अगर बाबा कहते दूसरा को याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं, देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। ब्राह्मणों की स्थिति बाबा ने कहा ना, नीचे ऊपर होती रहती है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनकी माला नहीं बनी है ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनकी स्थिति नीचे ऊपर होती रहती है, चलते चलते थक जाते हैं फिर रणियां मारते हैं बाबा, यह होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं,
बाबा कहते हैं याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट हैं, बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। अब याद किसको करेगी, जिससे कुछ प्राप्तियां होंगी, जिससे कुछ मिलना होगा, है ना। तो ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर के ज्ञान से ही संसार में हर मनुष्य की गति सदगति है। अब यूं तो फिर कितने सारे भारत देश पर कुर्बान गए, कितना कुछ किया भारत देश के लिए, उनके ज्ञान से या उनके इस तरह से किसी भी अनशन में बैठ करके किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने से तो भारत में किसी मनुष्य आत्मा की सदगति नहीं होगी। अब डॉक्टर का इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन डॉक्टरी कर लेने से तो किसी की सदगति या मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं होगी ना। तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर बाप है, जिसके ज्ञान के बिना इस संसार में मनुष्यों की क्या नहीं है, है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति। ऐसे नहीं है कि कोई स्थूल में ज्ञान से हो जाती है ना। वर्षा, बारिश पड़ती है तब क्या होती है, फसल बहुत अच्छी होती है। यूं तो फिर आप बकेट से क्या पूरा दिन रात पानी डालते रहेंगे तो फसल वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए, लेकिन बरसात के पानी से। तो ऐसे ही आत्मा रूपी जो बंजर भूमि है, इस बंजर भूमि को इतना शरीर में आ करके इतना ज्यादा उसने ड्रामा में पार्ट कर लिया कि उसकी जितनी भी कहना चाहिए शक्ति थी ना, उर्वरक शक्ति, जिससे सब कुछ वो अपने आत्मबल से कर पाती, तो वो जो कलाएं रूपी फसल थी ना वो कम थी हो गई। तो अब वो कला रूपी फसल कम हुई है, तो अब उस पे ऐसी कौन सी खाद पड़े, ऐसा कौन सा ज्ञान का पानी पड़े कि जिससे वो वापस अपनी शक्तियों को जगाए। जैसे ठीक वैसे ही जैसे फसलों में भी आजकल केमिकल से उनकी फसलों में कैसे हो गई है ना खेती किसानी, तो इसी तरह से बाबा कहते तुम्हारी भी फसलें जो उग के बार बार एक एक तन लेकर बदल कर बिल्कुल कमती हो गई, तो अब ये ज्ञान सागर का ज्ञान अमृत पड़ेगा तो उससे फसल वापस उगेगी, है ना, सोझरे में जाती है ना आत्मा। अभी तो अज्ञान अंधेर में है, तो बाबा कहते हैं अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का काम भी ज्ञान सागर बाप का है, यही ज्ञान लेकर के तुम्हारी आत्मा वापस कलाओं से संपूर्ण बनती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं बैठ करके सबको समझाता हूँ तो आयु बढ़ती है ना, नामी ग्रामी अक्षर है ना। तो ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है बाबा कहते, लेकिन याद नहीं है और योग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। योग है कब, जब तुमको ज्ञान हो कि उससे क्या प्राप्ति होती है। तो बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है, पढ़ाई में नंबर वार तो होते ही हैं, पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है, तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बाप के पाप बेहद के बाप से मिलता है, मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे, यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब, और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे ही निराकार शिव बाबा परिचय ही ऐसे दो, वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे, भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे, बने नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव मुझे याद करो, यह कोई भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते, वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे। यह है बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी, सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना है तो सहज लेना तो सहज है ना, बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं, क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है, इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं, हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं वा स्वर्गवासी हैं, अब सतयुग है कहाँ। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सतयुग को भी कल्पना समझते हैं, अनेक मत हैं।
अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो, वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बाप को बच्चों, माँ बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है, भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब नर्क का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है, एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन। कहा जाता है आधा कल्प है हेवन फिर हेल, तो रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, बाप क्या करते हैं, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं, इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा, हर एक की सरकम स्टांच देखी जाती है, हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो। पेट बहुत नहीं खाता है, बस दो रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं, फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है, धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी, राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ हैं, वहां भी हैं, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं, पूछना है, अपने आप से पूछना है, कोई बताएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर के पास सब, ईश्वर के पास जो भी है ना हिसाब बनाया है, सब कुछ उनके पास में है। बाबा कहते हैं ना धर्म राज मेरा राइट हैंड है, बाप कभी आपके विकर्मों की सजा नहीं देता, बाप की याद से आपके पाप कटते हैं, आपके विकर्मों को बाबा कहते हैं कि काटने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए मुझे याद करना है, लेकिन मेरे साथ जो चलता है वो है धर्मराज। धर्मराज के तराजू में आपके सारे कर्म विकर्म को तोला जाता है, फिर आपको उस हिसाब से सुख दुख का जो है हिसाब किया जाता है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे, यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है, यह सब समझने की बात है। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है, बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकेगा, बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो तो बाप क्यों नहीं देंगे, क्या बाप वर्षा नहीं देते बच्चों को, नहीं देंगे बच्चों को, देंगे ना, तो कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है तो सुख क्यों नहीं देंगे, उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं तो वह देंगे भी क्या, शांति का सागर तो बाबा है ही है ना, तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है,
तो पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे, देरे से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो सुख बाबा कहते वहां तो दुख होगा ही नहीं, है ना। मुक्ति में जाएंगे तो वहां तो उनको दुख होगा ही नहीं, मुक्ति धाम में आत्मा रहती है तो वहां कहां कोई कर्म करती है जिससे किसी प्रकार का कोई दुख उनको अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं देखो जो भी पहले आएंगे ना तो वो सुख मांगेंगे, इसका अर्थ समझना। बाबा से हम क्या मांगते हैं, सुख शांति का वर्षा मांगते हैं ना, दोनों रहते हैं हमारे पास में। जीवन होते हुए हम कैसे रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं, है ना। जीवन मुक्ति एकदम अलग होती है, लेकिन जीवन के साथ साथ हम सुखी रहते हैं, वो सत्येक त्रेता में होता है। फिर पिछाड़ी में आएंगे, अब आत्माएं जो ज्यादा मुक्त अवस्था में रहेंगी तो वो क्या मांगेंगी, सुख मांगना थोड़ी आएगा उनको, क्या मांगना आएगा, मुक्ति मांगना आएगा। तो ये अर्थ समझना है कि जितना ज्यादा लंबे समय तक उधर रहेंगे परम धाम में, तो उनको मुक्ति की अनुभूति होगी, और जो सुख की दुनिया में आ जाएंगे तो उनको सुख मांगना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सुख तुम बच्चों को मिला, तुम ही मांगोगे, उनको कहाँ मांगना आएगा। तो इस तरह से तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आ जाएंगे, तो बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है, सबका हिसाब किताब चुकतु होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, है ना। आजकल तो देखो कैसे कैसे उनके लिए शैम्पू और ना जाने कौन कौन सा फूड ला करके स्पेशली उनके लिए बनाया जाता है, मार्केट से लाया जाता है। तो जो गरीब ऐसे फिर स्ट्रीट में भी रहते हैं डॉग, और नहीं तो फिर बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों के पास रहने से उनका जीवन कैसा हो जाता है ना। तो देखो उनकी भी स्थिति बदल जाती है, उनकी भी बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है जब इंसानों की अच्छी कंडीशन होती है, है ना। तो सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, कोई घोड़े तीखे होंगे तो कोई उससे कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है, वहां यह होते ही नहीं। यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है, यह सारा बना बनाया खेल है, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे, हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं, हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, शांति के लिए शांति पाठ करते हैं, कमेटी बिठाते हैं ना, गेट टूगेदर करते हैं कि कैसे शांति आए, मीटिंग्स रखते हैं उसके लिए। तो बाबा कहते हैं उनसे मीटिंग से होगा क्या, शांति देने वाला सागर तो कोई और ही है, शांति का सागर, सुख का सागर, है ना। तो वो ही देगा, उससे मांगते ही नहीं क्योंकि जानते नहीं ना। तो बाबा कहते लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए, भंभोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे, मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ, कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने छुड़ा दिया, अब यह अच्छी अच्छी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले ले। बहुत प्यार से याद करना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाती है, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे परंतु यह मालूम थोड़े ही था कि हम यह बन सकते हैं, कुल पुजारी थी, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया है तो आया तो पूजा छोड़ दी, बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सुख खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें,
अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता, और यदि ऊपर ना होता तो ऊपर की तरफ भगवान को याद करते ही बुद्धि क्यों जाती है ऊपर वाले, है ना। जब भी भगवान का नाम लेते तो ऊपर की ही तरफ जाती है बुद्धि, नीचे की तरफ कभी नहीं जाती। तो बाबा कहते चित्र भी है, अगर माया ना हो सॉरी भगवान आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़िया मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, तो बाबा के जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं बाप की, स्तुति क्या करेंगे, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। अरे तो यह तो ग्लानी हुए, बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार करता हूँ। वो बाबा तो सर्व की सदगति कराता हूँ, करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं, क्योंकि उस समय तो ये ज्ञान रहता नहीं। बाकी है मनुष्य मत, हरेक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुम को और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। बाबा कहते भक्ति में कम मेहनत करते हैं, क्या मेहनत कम करते हैं, क्या मेहनत कम करते हैं। गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं, माला फेरते फिरते घंटा लग जाता है, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बहुत की याद में रहना है, बहुत प्यार से करना है। कितना बाबा कहते हैं इधर तो सिर्फ तुमको बहुत याद करना है बाप को, है ना, तो बहुत प्यार से याद करना है। एक तो बाप को याद करना, इतने प्यार से याद करना, बाबा के लव में डूब जाओ, लीन हो जाओ बाबा के लव में, बाबा की शक्तियों के नीचे फाउंटेन की तरह अपने ऊपर वो फाउंटेन गिर रहा है, आप उनकी शक्तियों में समाहित हो रहे हैं। बाबा की सारी शक्तियां आत्मा में भरपूर हो करके, आत्मा शक्तिशाली बन करके और चारों तरफ पूरे विश्व में ये शक्तियों की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं ना, शांति की। तो इस तरह से अपने में भरना है। जब बाबा के पास जाते हैं तो हमारे में शक्तियां भरती हैं ना, तो इस तरह से बाबा कहते हैं बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी स्वर्ग जरूर स्वर्ग के मालिक जरूर बनते हो, परंतु कट जंक उतारने के लिए बाप को याद करो ना। याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है, कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी
बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद कर और गुड मॉर्निंग धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है कि हमारे बाल बच्चे हमारे नाती पोते हमारे बाद में क्या होगा उनके लिए इतना रख दें कि उनको एक आध पीढ़ी तो खाने के लिए मिल जाए। इस तरह से जो भी बाबा कहते, देखो अभी फ्यूचर का तो किसको पता नहीं है, किसी की धूल में दबी रहेगी, किसी का चोर खाएंगे। तो इस तरह से जितना बाबा कहते ना पेट के लिए कितना चाहिए, अगर आपके पास में एक अच्छा सा छत है, घर टूटी छत नहीं है, 3 टाइम के लिए खाने को है, कपड़े हैं रोज के पहनने के लिए, तो इससे ज्यादा पेट को कुछ नहीं चाहिए। तन को कपड़ा चाहिए और छत चाहिए रहने को, तो बस फिर और क्या है, क्या चिंतन करना, क्या झंझटों में फंसना है। तो ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरा, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के बार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेज फुल भाव, पुराने संस्कारों के कारण सेवा में वा संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों संबंधों पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। निर्माण स्वरूप बाबा ने कहा और माया पति का हाथ पकड़ के माया जीत बनो। जिस पल आपने श्रावण राज्य की दुनिया में माया पति का हाथ छोड़ा उसी पल आपको माया रूपी डाकू क्या कर लेगा, जकड़ लेगा, किडनैप कर लेगा, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि निर्माण स्वरूप बनो और माया से निर्भय बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया।